कथा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन हाइड्रोजन एटम आर इंडिपेंडेंट अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये देखो प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कौन डिपेंड नहीं करता है? तो अगर इस केस में देखोगे प्यारे बच्चों, तो एनर्जी जो होती है वो होती है -13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर ये, और हाइड्रोजन की बात करोगे तो एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी -13.6 एन स्क्वायर ये। दिस इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और अब बात करो क्वांटम वेलोसिटी वी फॉर वेलोसिटी, तो रेडियस जो होती है आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर जेड होती है, तो हाइड्रोजन के लिए बात करोगे तो आर नॉट एन स्क्वायर आ जाएगी। चलो वेयर आर नॉट इज द कॉन्स्टेंट, हम सबको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट एन अपॉन वेलोसिटी वी नॉट आती है एन वी नॉट जेड अपॉन एन आती है, हाइड्रोजन के लिए बात करोगे तो वेलोसिटी वी नॉट अपॉन एन आ जाएगी। तो ये अब यहाँ से आप देख रहे हो एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो एन एच अपॉन टू पाई दैट इज एम बी आर, तो ये सारी चीज़ें। तो ये अब यहाँ से तुम देख रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, रेडियस, ई, हाइड्रोजन आइटम में सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है, और होता है ऐसा बोर ने बताया। तो अब हमें कहते हैं वी, अब वी एन का प्रोडक्ट वी एन, तो वी एन का प्रोडक्ट वी की वैल्यू रखो वी नॉट और एन, और रेडियस की वी एन और एन ने एन को ख़त्म कर दिया मतलब वी नॉट कॉन्स्टेंट आ गए। तो पहला जो ऑप्शन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वी एन डिपेंड नहीं कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है, ई आर डिपेंड कर रहा है। देख लेते हैं एनर्जी की वैल्यू कितनी है, बोलो एनर्जी की वैल्यू है -13.6 और एन स्क्वायर, और ये आर की वैल्यू देखो, रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो रेडियस यहाँ से मैं एनर्जी गलत लिख दिया हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, तो यहाँ से एन स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर और ये जेड ये गायब हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो -13.6 यहाँ से इसको सही कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा ये एन स्क्वायर -13. एन स्क्वायर और रेडियस की वैल्यू आर नॉट एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर ने एन स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, तो एनर्जी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। ई आर देख लेते हैं, ई एन, तो ई एन -13.6 एन स्क्वायर और एन से मल्टीप्लाई करोगे तो एन आ जाएगा, मतलब -13.6 एन, ये वाली जो चीज़ है प्यारे बच्चों वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भाई डिपेंड कर गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वी आर देख लो, तो वी आर, तो वी की वैल्यू देखो इधर कितना है प्यारे बच्चों, वी की वैल्यू है वी नॉट अपॉन एन, और आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू है आर नॉट अपॉन एन का स्क्वायर, तो एन ने एन को ख़त्म हो गया, तो ये वी नॉट आर नॉट और एन, तो ये भी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर गया, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं और ये नहीं डिपेंड कर रहे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों सही है। चलो लेट ए